आज हम इंडियन स्टेटिग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज शिवालिक सिस्टम। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं, उनमें जो चट्टानें हैं उनके बारे में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो इसकी उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसमें जो फॉसिल कंटेंट है, जितने भी फॉसिल्स यहाँ मिल पाए जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वर्टिब्रेट फॉसिल्स हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि हिंदुस्तान जो ये जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब बना, उस समय वर्टिब्रेट्स हमारे यहाँ कौन कौन से थे। तो एक बहुत लंबी सीरीज हमको यहाँ वर्टिब्रेट्स की मिलती है। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शिवालिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हिमालय जब बन रहा था तो टेक्टोनिक एक्टिविटी जो हो रही थी, उस समय हिमालयाज़ के जब बना तो उसकी चट्टानें हमारे यहाँ पाई जा रही हैं। तो लोअर हिमालयाज़ की जो सिक्वेंस है वो यहाँ पाई जाती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है ये। तो ये जो हिमालयन सेक्शन है, यहाँ ये शिवालिक की पहाड़ियाँ पाकिस्तान से शुरू होती हैं हिंदुस्तान में, दैन नेपाल में, फिर अगेन ये जो लोअर हिमालयाज है, जैसे हम देखते हैं हिमालयाज के पोर्शन, तो फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, मतलब हिमालयाज यहाँ से फिर लेसर मिडिल एंड अपर हिमालयाज यहाँ पाया जाता है, लेकिन फुटहिल्स पे जो पाई जा रही हैं चट्टानें, ये पूरी कंटिन्यूस रेंज ये पाई जाती है हमारे। तो क्योंकि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग होके 33 महासागर के ऊपर से होता हुआ जब तिब्बतियन प्लेटों से टकरा रहा था, तो ये आपकी टर्शियरी के अंदर ये रॉक्स का निर्माण हुआ, इन चट्टानों का निर्माण हुआ यहाँ पे जो बेसिन बनी। और ज़्यादातर फ्लूवियल नेचर की, मतलब नदी के द्वारा डिपॉजिट, फ्रेश वाटर डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी लोकेशंस हैं, स्ट्रेटिग्राफी कंसीक्वेंसेस हैं। द शिवालिक डिपॉजिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटी फ्लूवियल सीक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया कि सारी फ्लूवियल नेचर की हैं। दे कंप्राइज मड स्टोन, यहाँ पे हमें कौन कौन सी रॉक्स मिल रही हैं, मड स्टोन, सैंड स्टोन एंड कोर्सली बेडेड कॉन्ग्लोमरेट्स, कॉन्ग्लोमरेट्स भी जिनमें क्रॉस बेडिंग्स हमको पाई जा रही है। लेट डाउन व्हेन द रीजन वाज ए वास्ट बेसिन ड्यूरिंग मिडिल मायोसिन टू अपर प्लास्टोसिन, है ना, हमने कहा कि टर्शियरीज में मिडिल मायोसिन से लेकर प्लास्टोसिन टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रॉक्स यहाँ पाई जा रही है। दी सेडिमेंट्स वर डिपॉजिटेड बाई रिवर फ्लोइंग साउथवर्ड्स फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय से जो रिवर्स आ रही थी ऊपर से, साउथवर्ड जो मूवमेंट रिवर्स का था, उनके द्वारा जो सेडिमेंट लाए जा रहे थे, उनके द्वारा जो डिपॉजिट हुई है, तो द सेडिमेंट्स वर डिपॉजिटेड बाई रिवर्स फ्लोइंग साउथवर्ड्स फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय रिजल्टिंग द एक्सटेंसिव मल्टी ऑर्डर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय से जो नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ आ रही थी, उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाया जा रहा था, उनके द्वारा ये बेसिन जो बना उसमें डिपॉजिशन हुआ। फॉलोइंग दिस डिपॉजिशन द सेडिमेंट्स वर अपलिफ्टेड थ्रू इंटेंस टेक्टोनिक रीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, जब मैंने बताया ना टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही थी यहाँ पे, तो पहले बेसिन बना आपका जैसे पर, और उसमें फिर फर्दर इसका जब और मूवमेंट हुआ तो ये अपलिफ्ट हो गया एरिया। तो फॉलोइंग दिस डिपोजिशन, जब ये डिपोजिशन हुआ उसके बाद में सेडिमेंट्स वर अपलिफ्टेड थ्रू इंटेंस टेक्टोनिक रीजन कमेंसिंग इन द अपर मायोसिन टाइम। अपर मायोसिन टाइम पे ये ऊपर की तरफ उठ गया, सब्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन ए यूनिक टोपोग्राफिकल एंटिटी द शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स आपके बने, एस्टेब्लिशिंग द टाइमिंग ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस अपलिफ्टमेंट हिस्ट्री हैज ग्रेट इम्प्लीकेशन और आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होमिनेट लैंड यूज पैटर्न रिलेटिव साइट क्रोनोलॉजीज एंड नेचुरल साइट फॉर्मेशन प्रोसेस। द शिवालिक हिल्स आर लोकेटेड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, हमने बताया था पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड भूटान, एंड द रेंज बिटवीन 6 to 90 किलोमीटर इन विड्थ। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो 6 से 90 किलोमीटर विड्थ में है, आचार्य 1994 में इन्होंने बताया था। दे ग्रेजुअली बिकम स्टीपर एंड नैरोअर इन रिलीफ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली फ्रॉम नॉर्दर्न पाकिस्तान टू भूटान। तो जैसे ही पाकिस्तान से भूटान की तरफ हम चलते हैं,
ये स्टीपर होती चली जाती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो यहाँ इतना चौड़ा है ना, विड्थ बहुत ज़्यादा है, यहाँ आते 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 बिल्कुल पतली हो गई एंड स्टीपर हो गई। शिवालिक आर्ट्स, अब यदि हम स्टेटिग्राफी की बात करें तो शिवालिक्स आर डिवाइडेड स्टेटिग्राफिकली इंटू थ्री मेजर सब ग्रुप्स, लोअर, मिडल एंड अपर। इनको तीन सब डिविजन्स में डिवाइड किया है, लोअर, मिडल एंड अपर। दीज सब ग्रुप्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू इंडिविजुअल फॉर्मेशन दैट आर ऑल लेटरली एंड वर्टिकली एक्सपोज टूडे इन वेरिंग लीनियर एंड रैंडम पैटर्न। आज की तारीख में भी एक्सपोज इनको इसका मिलता है। ये अपर शिवालिक, अब यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये लोअर शिवालिक में कामलियाल, फिर चिंजी, नागरी, ढोकपटान, टट्टूट, पिंजर एंड पाउडर बेड्स, ये इसका सक्सेशन है। और इसको हम याद भी इसी तरह से करेंगे जब हमने बताया था ना कि स्टेटिग्राफी जो है हमेशा नीचे से याद की जाती है, कामलियाल, चिंजी, नागरी, ढोकपटान, टट्टूट, पिंजर एंड पाउडर बेड्स। तो ये इनकी डिफरेंट एजेस डिफरेंट साइंटिस्ट ने निकाली हुई है, वो इंडिकेट करती है कि क्या क्या इनकी रफली एज रही होगी, कितने मिलियन ईयर, मिलियन एनम या मिलियन ईयर्स इसको बोला जाता है, ठीक है। और जब हमने बताया कि शुरू में हमने देखा था कि सारे फ्लूवियल नेचर के मिलते हैं, तो लोअर में आपको क्या क्या मिलता है, मीडियम ग्रेन सैंडस्टोन, फाइनिंग अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं तो मीडियम ग्रेन से लेके ऊपर तक आते आते ही फाइन हो जाता है, प्लेनर ट्रफ क्रॉस बैडिंग्स, चैनल्स, कैल्शियम एंड फेरिन कंक्रीशन, कैल्शियम एंड आयरन के कंक्रीशन पाए जाते हैं, वेरीगेटेड सिल्ट स्टोन पाई जाती हैं, लेमिनेटेड ऑर्गेनिक रिच मड स्टोन पाया जाता है विद द फॉसिल्स ऑफ लीव्स, ठीक है ना। ये और एनवायरमेंट कैसा था इनका, मेंड्यूरिंग टू ब्रेडेड रिवर डिपॉजिट्स, हमने बताया रिवर डिपॉजिट्स हैं तो ये सारी मिनरलिंग आपकी पाई जा रही है, ओवर बैंक डिपॉजिट्स एंड पैलियोसोल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। मिडिल यदि हम उसकी देखें, मिडिल क्लासिफिकेशन में हमको रॉक्स क्या क्या मिल रही है, पहले तो डिपोजिशनल एनवायरमेंट क्या था, सैंडी ब्रेडेड रिवर्स है ना, क्रीप्स स्प्रे एंड पैलियोसोल्स पाए जा रहे हैं। तो उनमें क्या क्या रॉक्स मिल रही है, मीडियम टू कोर्स ग्रेन सैंडस्टोन, एमल्गेमेटेड चैनल्स with erosional basis, fine to very fine grained sandstone and variegated silt stone, ठीक है। sandstone, silt stone हमने देखा कि इनमें grain size में अंतर होता है, ठीक है। then upper में जो पाई जा रही है वो क्लास सपोर्टेड polymict conglomerates, बिल्कुल ऊपर तक हम आते आते देखा हमने क्लासिफिकेशन अंदर कि अपर बोल्डर बर्ड्स जो है वो यहाँ पाए जा रहे हैं, मीन्स फिर अनकम्युनिटी रही होगी इसके ऊपर, तो इसलिए हमको ये कॉन्ग्लोमेरेट्स पाए जा रहे हैं। 50 से 150 सेंटीमीटर थिक पैड्स ऑफ पेबल्स एंड कोबल्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, ग्रेवली डिपॉजिट्स हैं, ग्रेवल्स कहते हैं ना। तो ये इनका स्टेटिग्राफिकल सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्लास में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है शिवालिक्स।